शेयर करें और इस वक्त यहाँ पे पब्लिक खबर टुडे को ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक खबर टुडे बादरा लाइव और जितने भी प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे लाइव चल रहे हैं सबको शेयर करें। सब इतनी धूप में सब इतनी धूप में लगे हुए हैं। इधर बलवान पुनिया भी लगे हुए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। धूप के अंदर बैठे हैं हम लोग, तो फिर भी मेज पर हैं, वो जमीन पर बैठे हैं। और हालांकि अभी देखना ये है कि मधुरूप जी, आपको नहीं लगता ये सेम वही सिचुएशन हो गई है जो कि आज से लगभग 1.5 वर्ष पहले नगर पालिका में जो चाबी कांड हुआ था, इसी तरीके से तानाशाही चल रही थी प्रशासन की, इसी तरीके से हाईकोर्ट के आदेशों का, और वैसे सेम आज फिर चुनाव है, फिर भी वैसे ही आज जो है वो विपक्ष आज धरने पर बैठा है। चुनाव लोकतंत्र में कहीं भी हो, कहीं की प्रक्रिया बाधित होती है तो ये लोकतंत्र के लिए बुरी बात है, चाहे इससे पहले यहाँ हुई हो, चाहे चंडीगढ़ हुई हो, कहीं भी हुई हो, इस प्रकार की ये सरासर गलत बात है। लोकतंत्र के इतिहास में बहुत कम बार ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन ये काला धब्बा होती है अपने आप में। लोकतंत्र के इतिहास में ये काला धब्बा है और खासतौर पर भादरा नगर पालिका के इतिहास में कि चुनाव जिस दिन निर्धारित है उस दिन रिटर्निंग ऑफिसर एकदम से यकायक ना होना बहुत गंभीर परिस्थितियां पैदा कर रहा है और बहुत गंभीर सवालिया निशान पैदा कर रहा है। गुलशन, आप किस तरह देखते हो आज का ये जो घटनाक्रम? देखिए, बहुत ही गलत और असंवैधानिक ये काम है और इस काम की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वोट डालने का अधिकार सबको है। 40 पार्षदों को 35,000 वोटरों ने यहाँ चुना था और अब वो उन लोगों को ये अधिकार जनता ने दिया था कि वो अपना चेयरमैन चुने, और अगर उन 40 लोगों को वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाती है तो ये चुनाव भी किसी काम का नहीं है, ये लोकतंत्र किसी काम का नहीं है। और फिर अगर किसी व्यक्ति विशेष को यहाँ पे चेयरमैन बनाना है तो उसको निर्विरोध घोषित कर दे, वोटिंग करवाने की आवश्यकता न पड़े। और मेरी नज़रों में एकदम असंवैधानिक और निंदनीय ये काम है। बिल्कुल, ये अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक घटनाक्रम हो रहा है और भारत के इतिहास में घटनाएं हुई है पहले भी, लेकिन ये राजस्थान में शायद संभवतः ऐसी घटना पहली बार देखी जा रही है कि नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव किसी प्रकार से रद्द करने की कोशिश की जा रही है, जिस प्रकार से अभी संभावनाएं बन चुकी है। डाले जी, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है और लोकतंत्र के अंदर ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने चंडीगढ़ में भी देखा था, 8-9 वोट की जो प्रॉब्लम हुई थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को हल किया था,
तो मतलब लोकतंत्र में कोर्ट में जाके हमें मंदरूप जी आज सुबह वोट डाल के भी कोर्ट में जाना पड़े तो वो काय का फिर लोकतंत्र। मंदरूप जी आज सुबह हम जब पहुंच रहे थे तो पुलिस ने हमें प्रयास किया रोकने का, हालांकि हम भी प्रतिष्ठा रखते हैं समाज में, लोग फॉलो करते हैं। अभी देखिए हजारों लोग हम दोनों को यहाँ पे सबको सुन रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा भी एक तरीके से कहें तो फर्ज है कि लोगों को लाइव दिखाएं। आज प्रशासन ने किस प्रकार से हमें रोकने का प्रयास किया? और उससे पहले हम पार्षद हैं, पार्षद साहब हैं, अदरीश बुहान जी आए हैं। अदरीश जी, चुनाव नहीं हो रहा अंदर, एसडीएम नहीं है, बड़ी गंभीर परिस्थिति है, बताइए। कोई बात नहीं कर लेंगे। जिस प्रकार से हम पहले से ही आशंकित थे कि राज के दबाव में चंडीगढ़ जैसी घटना की पुनरावृत्ति भादरा में भी हो सकती है, हमने नगर पालिका परिसर में 10:05-06 पर प्रवेश किया था। बिल्कुल, तहसीलदार जी बैठे थे, तहसीलदार जी को हमने बोला कि 10:15 हो चुके हैं। तहसीलदार जी ने आरओ साहब रिटर्निंग ऑफिसर है, एसडीएम साहब वो मेडिकल लीव पर है, आगे से जो हनुमानगढ़ से क्या आदेश आते हैं उसके बाद में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो मंदरूप जी, भारतीय लोकतंत्र यानी कि बादरा के चुनावी इतिहास में आज का दिन काला अध्याय लिखा जाएगा कि आज तक जहाँ तक मेरे पढ़ने सुनने में देखने में आए आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये जो अंदर बीजेपी के जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनवर जी आए थे, बलवंत सैनी जी भी आए थे, क्या उन्होंने वोट भी मांगे? सरासर राजनीति के दबाव में हो रहा है। वर्तमान चेयरमैन और चेयरमैन प्रत्याशी दोनों वोट के लिए सभी को बोल रहे थे, पर हम किसी भी सूरत के अंदर पीछे हटने वाले नहीं। अदरीश जी, जान जा सकती है पर हम हमारा कांग्रेस का बोर्ड बनाकर। अदरीश जी बात करें तो अगर मतलब फर्स्ट ऑफिसर छुट्टी होता है तो सेकंड ऑफिसर को उसकी जगह अधिकारी लगाया जाता है। सुबह ये कंफर्म था कि जो यहाँ पे एसडीएम साहब है वो लीव पे हैं, तो ऐसे में यहाँ पे तहसीलदार साहब भी उनकी जगह नियुक्त हो सकते थे, तो आपको आने के बाद पता चला लीव पे है? प्रशासन को पहले से खबर थी कि लीव जब लगानी होती है तो कल छुट्टियाँ भी थी तो पहले लीव लगानी होती है तब लीव अप्रूव होती है। गुलशन जी, पूरा ये कार्यक्रम पूरा ये षड्यंत्र सुनियोजित है, हमें पहले भी इस चीज का आभास था कि ये राज के दबाव में ऐसा कुछ कर सकते हैं और वही हो रहा है। तो ये तो एक प्रकार से वोट देने के अधिकार को ही खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल मंदरूप जी, आपने सही फरमाया कि हम लगभग 22 के नजदीक हमारे गुट के पार्षद जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, 10 बजे से लेकर ठीक पौने एक का टाइम हो रहा है, लगभग 2.5 घंटे से जैसे बंधुआ मजदूर को अंदर बिठाया जाता है उस प्रकार हमें बिठाया जा रहा है, अंदर बिठा रखा है। और जो प्रत्याशी है अंदर वोट की अपील कर रही है, बाहर अंदर जा रही है। हम लगभग तहसीलदार जी हमें बोला कि आरओ साहब है वो मेडिकल लीव पर है, तो हमने आपके माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश की, विधायक जी को और रफीक भाई साहब को जानकारी देने की कोशिश की, पर डिप्टी साहब ने हमें बाहर नहीं आने दिया। काफी फिर हमने किसी के माध्यम से संदेश बाहर आप तक पहुंचाया कि अंदर ये सब कुछ घटनाक्रम चल रहा है, फिर भी हम डटे हैं। अदरीश जी, तक तो आज की तारीख में चुनाव होने की संभावना लग रही है आपको इस प्रकार? तो अदरीश जी, आपको लगता है ये कार्यक्रम सुनियोजित था क्योंकि सुबह मीडिया की भी एंट्री यहाँ पे बंद कर दी गई थी, अभी भी डिप्टी साहब के मीडिया को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे? जी, एकदम पूर्व राज के दबाव में सुनियोजित कार्यक्रम है इनका, किसी भी हद तक ये जा सकते हैं जो ऊपर से चल रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि चंडीगढ़ में जो हुआ था उसकी पुनरावृत्ति भादरा में न हो जाए, हम अलर्ट मोड पर हैं, पर हम चंडीगढ़ की पुनरावृत्ति किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। चलिए चलिए, आप बातचीत कर सकते हैं हम अपने साथियों के साथ। मंदरूप जी और डाले जी जुड़े हुए थे हमारे साथ और अभी भी जुड़े हुए हैं, यहीं पे ही हैं। तो बताएं डाले जी, क्या कहेंगे आज, क्या विचार है मौसम के बारे में आपका? मौसम पसीना बहुत बह रहा है, बाकी पसीने का हक वोटिंग होने के बाद में जो भी जीत के आए तब पसीने का कुछ हक मिलेगा कि हाँ हमने मेहनत की उस चीज के लिए वोटिंग हुई, लेकिन ये वोटिंग करवा नहीं रहे। डालेश जी और गुलशन जी, एक बात तो तय हो चली है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो थी, चाहे वो बीजेपी के खेमे में कम पार्षद थे या कैसे भी हो, कंफर्मेशन इसीलिए ये सब प्लानिंग के अपने को सुबह रोका था, इसीलिए ये सही बात है। और ये मीडिया की एंट्री भी बैन की गई इसी वजह से। आप तो डालेश क्या कहेंगे, आरओ और एआरओ पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए?
निर्वाचन आयोग राजस्थान के द्वारा, मतलब जब तारीख डिक्लेयर हो चुकी है तो आरओ उसी दिन छुट्टी पर क्यों जाए, और जाए तो कोई ऐसा मतलब कलेक्टर साहब से संपर्क करके उसके बाद में उनको बता नहीं। अच्छा गुलशन जी, किसी दूसरे की ड्यूटी लगवाए वहाँ पे, मतलब निर्वाचन प्रक्रिया तो वो कम से कम, जो ओपी चंदेलिया जी जो एसडीएम है, जो आरओ हैं, वो लगातार पूरे दिन भर नियमों में रहते हैं, नियमों को अपने आप की दुहाई देते हैं कि हम नियमबद्ध तरीके से ही काम करेंगे, अधिस्वीकृत पत्रकारों को एंट्री देंगे, मंद्रुप जी सोशल मीडिया को अंदर नहीं जाने देंगे, फलाना दिकड़ा, तो आज वो नियम उन्होंने खुद ताक पर रख दिया। नहीं मंद्रुप जी, बात करें तो एक तरीके से सुबह हमें कहा जा रहा था कि आप अंदर मत जाइएगा, ठीक है, उसके बाद अभी आप देख पा रहे होंगे अंदर डिप्टी साहब भी मना कर रहे थे, सीआई साहब ने आते ही सबसे पहले मना किया, तभी हमें कहीं ना कहीं अनुमान हो गया था। और सरकारी तंत्र का ये नियम होता है कि अगर कोई अधिकारी छुट्टी लेता है तो वो पहले कलेक्टर के पास उसकी वो एप्लीकेशन जाती है कि इस तरीके से मेरे को लीव की आवश्यकता पड़ेगी, कलेक्टर अप्रूव करता है। आज का चुनाव था, और चुनाव चाहे एक वार्ड पंच से लेके चाहे वो प्रधानमंत्री तक का चुनाव हो, चुनाव की प्रक्रिया सब चीज़ें सेम रहती है, और चुनाव ही होता है, तो ऐसे में दूसरा कोई अधिकारी नियुक्त करना चाहिए था। हमारे 5 उपमंडल लगते हैं, वहां से भी अधिकारी आ सकते थे। जब यहाँ पे कोई ऐसी घटना हो जाती है तब सारे अधिकारी डिप्टी सब आ जाते हैं, तो आज नोर से आ सकते थे, एडीएम आ सकते थे, उप जिला कलेक्टर आ सकते थे, टिब्बी से, राउसर से, कहीं से भी किसी भी अधिकारी को यहाँ पे नियुक्त किया जा सकता था। किंतु यहाँ पे ओपी चंदेलिया जी की छुट्टी लेने के बाद तहसीलदार जी के पास चार्ज नहीं है, और अभी देखिए मकसूद भाई 5-5 मिनट में सारे पार्षद आ रहे हैं। मतलब ये विपक्ष के द्वारा भी एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन है कि हम बाहर जाएंगे और लोगों तक अपनी बात, बिल्कुल प्लानिंग है। मोहम्मद रफी, रफी भाई अपने इधर आ जाए, धूप है उधर, धूप है सर, बताइए क्या चल रहा है अंदर? वोटिंग नहीं हो रही है, एसडीएम नहीं है। हम लोग 10:05 पर अंदर वोटिंग हॉल के अंदर पहुंच गए थे, करीब 20 लोग हैं अंदर, मेंबर लोग वोट गिरने लिए गए थे, और उन्होंने तहसीलदार जी बैठी है वहाँ पर, उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब आ रहे हैं 11 बजे तक, 5 मिनट में आ जाएंगे। हमने कई बार पूछा इस बात को, तो उन्होंने फिर 11:15 में ये कहा कि एसडीएम साहब तो छुट्टी पे गए हुए हैं, कल से बीमार है, ठीक है, और ऊपर से कोई आदेश नहीं है हमारे पास कि आपका वोट डलाए जाए, नहीं अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम तो बस अंदर। आपसे भाजपा के उम्मीदवार ने भी वोट मांगे क्या जवाब? हाँ वो आए थे। अच्छा, स्वाति नाटा अलग से आई थी, व्यक्तिगत रूप से आई थी वोट डालने के लिए, वो चली गई अनवर कुरैशी और उनके साथ, तो ये कोई दबाव का हिस्सा हो सकता है या नहीं, वो तो आपने अभी एक बात बोली। चलिए अधिकारी आ चुके हैं, जिला कलेक्टर या एडीएम वो पहुंचे हैं, अतिरिक्त जिला कलेक्टर यहाँ पे आए हैं, और चलिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर अब आए हैं बलवान जी के पास, तो देखिए हम बलवान जी के साथ अभी लाइव जुड़ेंगे, और हालांकि अतिरिक्त जिला कलेक्टर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आए हैं, और एसडीएम छुट्टी पर थे तो इस कारण से यहाँ पे छुट्टी पर थे, और बलवान जी बताएं उप जिला कलेक्टर अब आए हैं, आपको अब लगता है वोटिंग शुरू कर दी जाएगी? भाई 2 बजे तक हम इस इंतजार में है कि वोटिंग शुरू करें, मुझे नहीं लगता उन्होंने हार मान ली है, क्योंकि उनके अध्यक्ष के जो कैंडिडेट थे वो आधा घंटा पहले यहाँ से प्रस्थान हो गए, जो बौखलाहट दिखा रहे थे उसे स्पष्ट लग रहा है कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। लेकिन हार के साथ साथ जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है ये इनफ है। अच्छा आप ये बताएं, चलिए अभी चुनाव होता है, जीत हार किसी की वो अलग मायने, लेकिन जो ये देरी हुई है इसके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? कलेक्टर भी इसके लिए दोषी है, क्योंकि एक घंटा में कोई अप्रिय घटना होती है तो सेरड़ा पहुंच जाते हैं कलेक्टर हनुमानगढ़ से, आज नहीं आए वो 2.5 घंटे 3 घंटे पौने 3 घंटे बाद एडीएम आए, पौने 3 घंटे बाद, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? तो आप डिमांड करेंगे ये देरी हुई है, ये भी सब डिमांड करेंगे, 2 बजे हम दोबारा मिलेंगे, 2 बजे हम दोबारा मिलेंगे, हमारे एक एक पार्षद जिस तरीके की पीड़ा बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने आकर के कन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करी है, और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करी, और जग जाहिर है जिस तरीके से उन्होंने वोट नहीं डलवाए, ये चंडीगढ़ मेयर के चुनाव को भादरा के नगर पालिका चुनाव जैसा बनाना चाह रहे हैं। मैं देश की मीडिया से और मैं प्रदेश की मीडिया से आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, आज अगर सो गए तो जाग कभी नहीं आएगी, लोकतंत्र की यही दुर्गति हर दिन आपको द्वारा देखी जाएगी, कि दुर्गति से बचना है सारे लोग मुखर होकर के बोलिए। हमारे पास 20 लोग थे, 20 लोग वोट डालने आए,
हमने तो कतई एतराज नहीं करा, 21वां क्यों नहीं आया, 20 आए, 20 के वोट वो डलवा लेते, फैसला हो जाता। लेकिन उन्होंने जिस तरीके की हरकतें करी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सारे पर करी हैं, जो निंदनीय है। और भी पार्षद जो है वो बाहर आए हुए हैं और उनके साथ हम बातचीत कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे और भी वार्डों के क्या मानते हैं, क्या कारण हो सकता है? कारण तो सीधी सी बात है, सत्ता में जो है वो अपना राज चला रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर सत्ता में आप हो वो ठीक है, अच्छी बात है, आपकी सत्ता है, पर कम से कम ये तो होना चाहिए ना कि जो कानून व्यवस्था है वो ना बिगड़े। ये कानून, ये हमारे हमारे जो राजस्थान का जो चुनाव होता है, क्या इसलिए नहीं होता है क्या वहाँ वो बैठे रहते हैं? नहीं ना, तो आज ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? हम 10 बजे से आके अंदर बैठे हैं, क्या हम लोग पागल वागल है क्या? दिमाग खराब है हम लोगों का कि चेयरमैन चुनने के लिए बैठे, 22 पार्षद अंदर बैठे हैं, वो पागल है क्या? अपनी उनके 18 पार्षद नहीं आ रहे हैं, वो आए भी नहीं है अंदर, और उनके चक्कर में हमको अंदर बिठा के रखा है। नहीं, विधायक जी से भी मेरा यही कहना है कि विधायक जी जो करना है वो करो, लेकिन चुनाव तो जो हो रहा है उसकी प्रक्रिया तो करो। आप सुबह आए थे, तब आपको क्या कहा गया जब आप निर्वाचन में? कहा गया कि 10 मिनट में आने वाले हैं, 15 मिनट में आने वाले हैं, 20 मिनट में आने वाले अभी आ जाएंगे, पहले ये कहा गया। बाद में ये कहा गया कि भाई आरओ नहीं है तो वो छुट्टी पर चले गए। अचानक छुट्टी होती है क्या? आप मीडिया है, छुट्टी होती है अचानक? कभी देखा है? नहीं, निर्वाचन प्रक्रिया में नहीं होती। चुनाव जो होते हैं हमारे, मेडिकली होती है, पर इतना आधे घंटे पहले तो आने वाले थे, आधे अब 10 मिनट में बोलते हैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ साजिश है, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ साजिश है। एक घंटा और बचा है, अगर साजिश के साजिश आपको कैसा लग रहा है? अंदर बैठे क्या चाहते हैं कि चुनाव ना हो, क्या बताओ? आपसे वोट नहीं मांगे क्या अनवर प्रेशी ने? अनवर प्रेशी ने हमसे कोई वोट नहीं मांगा, हमको अनवर से मतलब ही नहीं है, उनको हमको क्या करना है अनवर से? सही बात है, सीधी सी बात है। हम हमारे नहीं, हम हमारे हमारा वोट डालने दो ना। मेंबर बैठे हैं, 22 बैठे हैं अंदर, 22 मैम आपकी हिसाब से का चुनाव होगा या नहीं हो पाएगा? मेरे हिसाब से अगर बोलते ना हिंदुस्तान की जनता चाहे तो हो सकता है। मतलब किसी एक पार्टी के चक्कर में ये तो नहीं है कि चुनाव नहीं हो। सीएम क्या कर रहे हैं फिर? सीधी सी बात है ना, सीएम क्या कर रहे हैं फिर? अगर ऊपर से ऐसी ऑर्डर आएंगे कि बस एक इंसान की बात मान के आप चुनाव नहीं करवाते हो, तो सीएम किस लिए बैठे हैं? प्रधानमंत्री किस लिए हैं फिर? आप एक राज कर रहे हो, एक राज पे बैठे हो, तो कम से कम दोनों पार्टियों को साथ लेके चलो। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पर पहुँचे हैं, एडीएम यहाँ आए हैं और रामतनान जी दोबारा पहुँचे हैं। वो बार बार अपने जो साथी हैं पूरे विधायक उनको जानकारी दे रहे हैं और आप देख भी सकते हैं, एक एक करके पार्षद यहाँ पर आए, उन्होंने चर्चा की और बड़ी गंभीर बात है, बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं पार्षदों को। लीलाराम जी छिया आज अपने संधु छिया लिया जा गया संधु के करा वो के करा वो तू आप देख पा रहे होंगे दालू थोड़े ना यार लीलूराम जी ने घोषणा करके गए हैं अभी अंदर कि हम चुनाव जीत चुके हैं, आपका क्या कहना है इस बात पे? वो तो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, वोटिंग पड़ेगी तब लोकतांत्रिक रूप से नतीजा आ पाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को देखते हुए हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी बैकफुट पर है, इसलिए ये कहीं ना कहीं कार्यक्रम हुआ है। पानी ले, गर्म हो गया, अब तय हो चला है, कठोर ले जी पानी ले आओ, मोर ले आओ, केना मांगो नवाब जी के ऊपर लिखो उसमें। तो आप देख पा रहे होंगे बलवान पूनिया और उनके सारे समर्थक इस वक्त ये कैंपर, ये कैंपर उठा लो मुद्रुप जी, विनोद एक कैंपर दे, कैंपर दे दे, कैंपर कैंपर दे दे, एक कैंपर दे दे। तो देखिए पानी की व्यवस्था कॉमरेडों ने कर दी है और कॉमरेडों ने की है, अब ये मीठा पानी पिला रहे हैं बादरा को, तो राज था उस समय नहीं पिला पाए थे, कोई बात नहीं। अब बोतल लगा लो, अरे ऊपर ले बोतल लगा लो, बोतल भर लो। बशीर जी देखिए, बशीर जी अरे
छियाम ओ डालू छियाम आने दो यार भाजी, फोन गर्म हो जाओ तो भज्जो जाए आठा आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे फोन हीट हो रहे हैं उस कारण से। अगला पार्टी तो आप देख पा रहे होंगे, हालांकि अभी थोड़ी देर में निर्वाचन जो प्रक्रिया सॉरी जो वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और ईडीएम नहोर आए हैं, पार्षद भी धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, ये एक कह सकते हैं कि सारे जो यहाँ पे इनके कार्यकर्ता सब इकट्ठे हो चुके हैं। मंदे मंदे मंदिर तो भाई फूलों को भी पानी पिला पिला के काम चला रहे हैं। तो दूसरी तारीख को होना ये तो ये भी तो अन्याय है, मान ली अन्याय है लेकिन क्या करें, राज है इनका। अच्छा राज के आगे क्या करेंगे, तो वहाँ बैठे 25 हमारे पास पार्षद है वो हार मान के चले गए, हार मान ली उन्होंने। तो दूसरी तारीख दी जाएगी, अब ये कंफर्म रिपोर्ट एडीएम साहब नौर से आए हैं, उन्होंने ये ऐलान किया और हमें वो रिटर्न में देंगे। आज का चुनाव निरस्त किया जाता है नहीं, आज जो कारणों से और आगामी इतनी तारीख को चुनाव होंगे, आज जो देरी हुई है आज इसके लिए जो जिम्मेदार है क्या उन पर कार्रवाई की मांग होगी? करेंगे हम कार्रवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट तक छोड़ेंगे नहीं इनको, जिसने मेडिकल लिया उसको नहीं छोड़ेंगे, कलेक्टर को नहीं छोड़ेंगे, बाय नेम करेंगे इनके पिता के खिलाफ। चलिए बाय नेम इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चलिए ये लगभग तय हो चुका है कि एडीएम, तो आप देख पा रहे होंगे इनका कहना है कि अभी हम चुनाव जो है वो कैंसिल कार्रवाई की जाएगी, चुनाव कैंसिल होने की एक तरीके से प्रक्रिया जारी की जा सकती है, थोड़ी देर बाद भी आ जाएगी कि चुनाव स्थगित किया जा सकता है। और कह सकते हैं आप कि चुनाव के दिन चुनाव नहीं होना ये अपने आप में लोकतंत्र का हवास है, लोकतंत्र का एक प्रकार से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और इसी की वजह से ये चुनाव डिले किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी जो बाड़ाबंदी कर रही थी उसमें वो कामयाब नहीं हुई, इसी के कारण ये पूरी की पूरी प्लानिंग के तहत एक प्रकार से ये किया गया है। आरओ एआरओ इसके लिए जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों पर क्यों न कार्रवाई होनी चाहिए, जो दिन भर न्याय की दिन भर कानून की दुहाई देते हैं वो अधिकारी कर्मचारी आज जानबूझकर लेट लतीफ साबित हुए हैं, ये तय हो चला है। तो आप देख पा रहे होंगे हम नित निरंतर आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और फॉलो की, इस दोपहर में घर बैठे दुकान आप अपने दुकान में बैठे ढाणियों में बैठे लोगों को हम लाइव अपडेट लगातार नगरपालिका भादरा से दिखा रहे हैं और पूर्व विधायक बलवान पुनिया और कांग्रेस का खेमा प्रेस से मिलेगा, वार्ता करेगा जैसा तो संदेश है 2 बजे के बाद, तो 2 बजे भी आप हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे अभी तकरीबन 1 बजे का समय हुआ है और पानी और अब जल्दी नई तारीख की घोषणा करेंगे, इस प्रकार के मुझे मामले जिला निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर होते हैं वो ये तय करेंगे कि अगली तारीख कब तय की जाएगी, लेकिन ये आज का दिन अपने आप में लिखा जा चुका है कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान विरोधी व्यक्तित्व साबित हुआ है किन्हीं भी प्रशासनिक अधिकारियों का कारण रहा हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है। और बीजेपी के जो पार्षद है वो अभी तक नहीं पहुंचे, मैं आपको बता दूं यानी तकरीबन 1 बज चुका है और अनवर कुरैशी जो दावा कर रहे थे कि हम आएंगे एसडीएम साहब आएंगे वो झूठा दावा था बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो तो अभी भादरा नगर पालिका के आगे हम मौजूद हैं और आप वीडियो को शेयर करें, आपके लेफ्ट हैंड साइड शेयर का बटन है और राइट हैंड साइड शेयर टू ग्रुप लिखा होगा, सब समूहों में शेयर करें, अपनी प्रोफाइल पे शेयर करें। मनरूप जी सफल शब्दों में वो बता नहीं पाए कि वो बैकफुट पर है, इसका मतलब यही निकलता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बैकफुट पर बीजेपी की कहीं ना कहीं प्लानिंग थी कि किसी प्रकार से चुनाव को डिले किया जाए और चुनाव में जो दूसरे पक्ष के पार्षद है उनसे बातचीत हो पाए, बार्गेनिंग कर पाए, ये इसी प्लानिंग के तहत ये चुनाव डिले करवाया जा रहा है। और चलिए राज किसी का रहा हो लेकिन गलत अलोकतांत्रिक अमर्यादा पूर्ण
चीज़ें हमेशा ही अनैतिक होती हैं, और हालांकि ये कई बार घटनाएं ऐसी हुई है लोकतंत्र के इतिहास में, ये लेकिन भादरा के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि जिस दिन चुनाव निर्धारित किए गए उस दिन चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो आप तकरीबन 1500 लोग हमें लाइव सुन रहे हैं, तो आप सब लोग हमारी वीडियो को शेयर करें। अब होना क्या है ये देखने वाली बात होगी। और एडीएम सर से हम चर्चा करना चाहेंगे, क्या प्रशासन कोई जवाब दे पाएगा इस पूरे मामले पर, क्या प्रशासन करने काटेगा मीडिया से, ये भी देखने वाली बात है। प्रशासन तो सुबह से मीडिया से काट ही रहा है, करनी निकालने का प्रयास किया जा रहा था मीडिया को यहाँ से। बिल्कुल, मीडिया की एंट्री हालांकि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही हुई आखिरकार, लेकिन फिर भी मीडिया को रोका गया अंदर, अभी भी निकालने का प्रयास, और बाहर अंदर तो बिल्कुल एंट्री बैन ही कर दी गई। हम आपको सिर्फ इस गैलरी के जो एक कैंपस है इससे हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, और शायद यही बड़ी वजह थी कि मीडिया के सवालों से प्रशासन भी बचे। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं, गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया है भादरा नगर पालिका को लेकर। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, हार के डर से लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली है भाजपा। आज भादरा नगर पालिका उपचुनाव के अध्यक्ष पद के लिए मतदान होना है। मतदान के लिए 40 में से 21 पार्षद पालिका में मौजूद है, लेकिन भाजपा चुनाव में धांधली करने का षड्यंत्र रच रही है। सरकार के दबाव में मतदान से ठीक 5 मिनट पहले एसडीएम आकस्मिक अवकाश पर चले गए। हार से भयभीत भाजपा चुनाव को टालना चाहती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए मेरी राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सचिव एवं जिला कलेक्टर से बात हुई है। अगर चुनाव में धांधली स्थगित करने का कोई भी कुप्रयास हुआ तो कांग्रेस सड़क से सदन तक प्रदर्शन करेगी। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ। आप सब लोग हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब देखना ये है कि कितनी देर में ये आदेश लिखित में आता है कि अब चुनाव को जो है वो स्थगित कर दिया है। ये बड़ी गंभीर बात है, विपक्ष ने भी इस बात को लेकर उठाया, और ये लगातार ये आपके सामने हम यहाँ से लाइव भी हैं, चल भी रहे हैं। पैनल की थोड़ी गर्म होगी तो आप तो आप देखें। और अभी हालांकि अंदर से 1:04 यानी 1 घंटा अब पेंडिंग है, और इस 1 घंटे में क्या होता है देखिए। तो आज ये पूरा घटनाक्रम कहीं न कहीं निंदनीय था, और इस घटनाक्रम के बाद आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बात है भादरा के इतिहास में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि निर्वाचन अधिकारी भी गायब है। तो आप सब हमारे साथ लाइव में जुड़े रहे, अभी थोड़ी देर में सारी अपडेट यहाँ पे आएगी। हमें भाजपा के पार्षद भी इस वक्त लाइव सुन पा रहे होंगे, और अंदर कांग्रेस के पार्षदों के पास मोबाइल है नहीं। हालांकि अभी बलवान पूनी आप देख पा रहे होंगे एक कत्ता ओढ़कर बैठे हुए हैं, और उनसे बातचीत भी करेंगे। उससे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे समर्थक आए हैं जो कि कांग्रेस बीजेपी से हैं, और ऐसे में अब किस तरीके का इनका निर्णय रहता है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। उस ओर आप देख पा रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी आए हैं बलवान पूनिया, लगातार यहाँ पे 3.5-4 घंटे से सड़क पर बैठे हुए हैं, और इनका कहना ये था कि हम सड़क पर लगातार संघर्ष करेंगे। और ये आप देखें, मैंने आपको बताया गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अभी ट्वीट किया है, और ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे माकपा के समर्थक मौजूद है, और सुरजीत बिजारनिया, रंजन मानस, मंगेश चौधरी जो कि नोर से यहाँ पधारे हैं, इनके साथ साथ और भी बहुत सारे यहाँ लोग आए हैं। असलम नासवान जी भी हमें यहाँ दिखाई दिए हैं, और शोकत जी, आप देख पा रहे होंगे। बलवान जी बताएं, क्या आप चुनाव को स्थगित करने की प्रक्रिया चल रही है, आपका कोई अंदर संपर्क हुआ है? मैं जब तक अधिकृत को सूचना नहीं देते थे मैं आपको कोई इनपुट नहीं दे सकता। 2 बजे बाद क्या आप लोग मीडिया से बातचीत करेंगे? 2 बजे बाद आपसे बाकायदा बात करेंगे और आपको सारी बात बताएंगे, और अगला हमारा कदम क्या होगा ये भी आपको अवगत कराएंगे। आज का लगभग अब तय हो चला है, जिस प्रकार से अंदर से बशीर जी आए थे कि एडीएम ने कहा कि अगली तारीख दी जाएगी, ये षड्यंत्र हो सकता है, इसलिए हमने उनको निर्देश करा 2 बजे से पहले बाहर नहीं आओगे। गोविंद सिंह डोटासरा जी का भी ट्वीट आया है कि भादरा में इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, ये बीजेपी सरकार को हम सदन से सड़क तक घेरेंगे। बिल्कुल घेरना चाहिए, इसके खिलाफ जूठ बजानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अकेली मुस्कान बनो का सवाल नहीं, अकेला कांग्रेस का सवाल नहीं, अकेला सीपीएम का सवाल नहीं, अकेला
पार्षदों का सवाल नहीं, चेयरमैन का सवाल नहीं है, सवाल इतना खतरनाक है। अगर कोई संजीदा आदमी तो रूह कांप जाती है इस टूट के लोकतंत्र को देख। मुझे याद है आपने, आप तीनों लोग खड़े हो, एक तो वो पत्रकार सवाल कर रहा था जिस दिन वोट पड़ रहे थे, आचरण चेयरमैन बन रही थी, आपने कैंपस में पोर्च में मेरा इंटरव्यू करा था और आपने देखा होगा उस समय पूर्व विधायक पोर्च के भीतर थे, मैं बाहर खड़ा था, लेकिन हमने ये नहीं कहा इनको बाहर निकालो, वोट पड़ने उनके साथ आए, वोट उनके साथ आके डाल जाएंगे, मेरे साथ आए। लेकिन उनको जो डर लग रहा है ना मौजूदा विधायक को, ये उनकी बौखलाहट और हार है, और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से गिर सकती है इस बात का अंदाजा हमें तो था, आप लोगों को पता था। चलिए शुक्रिया। चलिए आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ अभी और भी लोग जुड़ेंगे, उससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बलवान पूनिया अब धरना लगाकर बैठ चुके हैं और अब ये धरना कब उठेगा, क्या चुनाव स्थगित किया जाएगा, ये सवाल ही बने हुए हैं और इन सवालों का जवाब अब थोड़ी देर में जो है वो आप सबको मिल जाए। ये देखिए हमारे मीडिया के साथी जो कि सुबह से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी एक तरीके से कहें तो आप सबको लाइव कवरेज दिखाने के लिए ये लगातार आप सबके मध्य सुबह से बने हुए हैं। आप इनका हौसला बढ़ाएं, इनके चैनलों को सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। हेलो जी, लेकिन ये मैं तनखा हूँ लाइव आ रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ शहर के और भी जो सेठ लोग हैं वो भी जुड़ेंगे और चुनाव न होने का भी क्या कारण है? तो आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे। मंदरूप जी और मैं दोनों आपको इसका पूरा विश्लेषण बताते हैं। मंदरूप जी बताएं, आज जो एल लोकतांत्रिक जो काम किया जा रहा है, हालांकि चाहे किसी की भी सरकार रही हो चाहे किसी की भी सरकार हो, किंतु इस तरीके से अनैतिक कार्य किया जाना कहां तक एक तरीके से सही है, क्योंकि आज से तीन दिन पहले भी हमने देखा था आपकी भी प्रशासन के साथ जिद हुई थी, वहां भी कुछ अनैतिक चल रहा था, तो कहां तक मतलब सही मानते हैं तानाशाही को? बिल्कुल, ये भादरा प्रशासन पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। इसमें शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि मौजूद है या नहीं ये हम नहीं कह सकते, ना हम इन सवालों पर जाना चाहते कि बीजेपी इसके लिए, सरकार इसके लिए दोषी है या कोई जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि इसके लिए दोषी है, लेकिन अपने आप में ये गंभीर सवाल है कि ये इस प्रकार का घटनाक्रम होना, ये हुआ ही क्यों आखिरकार, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इस सवाल के उत्तर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ है ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है पूरी तरीके से, और भादरा प्रशासन पूरा का पूरा, चाहे इसमें पुलिस प्रशासन का जिक्र करें या जो SDM प्रशासन कहें या तहसील प्रशासन कहें, वो पूरे के पूरे शामिल लग रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने मीडिया को अंदर जाने से सुबह भी एंट्री बैन की, अब हमें सिर्फ सड़क पर खड़े होने के लिए बाध्य कर दिया गया, हमें याद है ये भी बहुत एक प्रकार से फोन किए गए और संपर्क किया गया। आपको याद होगा दो बार पहले चुनाव हुए थे तो हम इस नगर पालिका कैंपस के अंदर थे और जनप्रतिनिधि भी सारे अंदर थे, चाहे पूर्व विधायक हो मौजूदा विधायक हो, लेकिन आज पूर्व विधायक भी बाहर है और मीडिया पर्सन भी बाहर है, तो कहीं ना कहीं अनैतिक कार्य था, अमर्यादित था, इसी को रोकने की ये पूरी की पूरी प्लान। राजस्थान प्रदेश की बात करें तो राजस्थान प्रदेश में वर्तमान ब्यूरोक्रेसी काफ़ी हावी है, प्रदेश से लेके भादरा तक जो है वो ब्यूरोक्रेसी अपना दबदबा जमाए हुए हैं। यहाँ पे SDM, CI या तहसीलदार, जिले में जिला कलेक्टर, प्रदेश में जो उनके IAS मुख्य सचिव आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये जो जनता का जो जनतंत्र है, लोकतंत्र, लोगों द्वारा बनाया गया तंत्र, ये सारा का सारा प्रशासन ने अपने हाथों में कर लिया है? ये देखिए, जब जब मुख्यमंत्री एक प्रकार से कमज़ोर साबित हुए हैं, नए मुख्यमंत्री आए हैं, तब तक ये ऐसा हुआ है। हालांकि बहुत शुरुआत है, अभी 7 महीने हुए हैं, ज़्यादा कुछ कहना जल्दबाजी भी होगा, लेकिन एक प्रकार से अभी तो ये लग रहा है कम से कम कि ये सरकार है वो IAS IPS के हाथों चल रही है, इसमें ब्यूरोक्रेट शामिल है, जनप्रतिनिधियों का रोल इसमें बहुत कम लग रहा है। मंदरूप जी, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, आपको नहीं लगता उनको बिल्कुल पंगू बना के छोड़ दिया गया है कि आज तारीख दी हुई थी पोलिंग के लिए, अब कह रहे हैं कि उसको हम पोस्टपोन करते हैं, आगे सरकाएंगे उस तारीख को, तो ये पंगुपन नहीं है क्या इन संस्थाओं को? ये बिल्कुल पंगुपन, आज तो ये SDM और तहसीलदार जो RO ARO इनकी बेइज्जती है, इनको भी समझना चाहिए आज चुनाव नहीं हो रहा है। और आप देखिए इसके लिए कितना एक प्रकार से लोगों को इकट्ठा किया गया, तहसील के तकरीबन
तकरीबन आप जिक्र करें तो 1500 कर्मचारी आज यहाँ पर इस चुनाव के लिए उपस्थित है। करोड़ों रुपए इसका बजट आएगा, ये बजट कौन देगा? दूसरी बार जब चुनाव होगा तब इतने इससे ज्यादा संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि अब ये संदेहास्पद है चुनाव, और हो सकता है अगली बार तो हमें भी यहाँ तक एंट्री ना मिले, अगली बार हमारे पर भी ये आरोप लगे कि आप लोग अंदर नहीं जाएंगे। हो सकता है आज शाम तक कल तक हमारे खिलाफ भी नोटिस निकल जाए, क्योंकि जिस प्रकार से हम खुला प्रशासन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के डिप्टी, यहाँ के CI, यहाँ के SDM, यहाँ के तहसीलदार, किसी ने भी पत्रकारों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। ना सिर्फ हम जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, बल्कि अधिस्वीकृत पत्रकार जो भादरा में 3 है उनको भी अंदर नगर पालिका परिसर में नहीं जाने दिया। ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक अमर्यादित था। देखिए, आप देख पा रहे होंगे वर्तमान में तकरीबन आधा घंटा अभी बाकी है, इस आधे घंटे में क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद शायद अब नहीं आएंगे, और हो सकता है वो अपने खेमों में भी चले गए, क्योंकि बाड़ेबंदी लगातार मंदरूप की जारी रहेगी। अब देखिए, बस कांग्रेस की भी बस लग चुकी है, अगर चुनाव नहीं होते हैं तो यहाँ से सारे पार्षदों को निकाल कर अपनी जो इनकी बाड़ेबंदी जहाँ भी चल रही थी वहाँ ले जाया जाएगा। ऐसे में लग अब मानसून का समय है, भादरा शहर में जल भराव हो रहा है, फिर सर 7-8 दिन तक आचार संहिता फिर आगे हो जाएगी, और फिर वही 7-8 दिनों तक जनता जो है वो परेशान रहेगी। बिल्कुल, चेयरमैन अगर कुर्सी पर नहीं है और मानसून का सीजन है तो ये समस्या आएंगी। चेयरमैन के बिना प्रशासन काम नहीं करता, क्योंकि जब जब चेयरमैन कुर्सी पर होता है तब तब प्रशासन एक्टिव होता है और प्रशासन तरीके से काम करता है, लेकिन ये जो दोष दिख रहा है ये कहीं ना कहीं RO रिटर्निंग ऑफिसर है, उसको जवाब देना चाहिए, और जिला जो निर्वाचन अधिकारी है, जो जिसे जिला कलेक्टर हम बोलते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जिम्मेदारी ले कि आज चुनाव नहीं हुआ, और इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, चाहे RO को, ARO को, चाहे किसी को भी इसके लिए सस्पेंड करना पड़े। सस्पेंड बहुत छोटा वर्ड है, लोकतंत्र में चुनाव जिस दिन हो उस दिन चुनाव न होना ये अपने आप में सबसे बड़ी घटना है, और इसी घटना के लिए जो भी दोषी है उन पर क्यों ना सबसे त्वरित और तेज कार्रवाई आज के दिन होने चाहिए। जितनी त्वरित ये तारीख देंगे अगले चुनाव की, उतनी त्वरित ये RO पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। मंदरूप जी, प्रशासन की बात करें तो एक तरीके से अगर हेलो तो आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और हम बात कर रहे थे कि आज गंभीर सवाल पैदा हो रहे हैं इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर। ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद 15 मिनट के अंदर नगरपालिका भादरा के अंदर आएंगे, जैसा कि थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी मंदरूप जी की, पार्षद नहीं आएंगे उन्हें पहले से कोई अनुमान है कि, तो अब ब्रेकिंग न्यूज ये पहुंची है कि 15 मिनट में भारतीय जनता पार्टी के जितने पार्षद हैं वो नगरपालिका में आएंगे। 15 मिनट में पार्षद आते हैं, इसका मतलब अभी 1:15, यानी कहीं ना कहीं गेम तो था ये लेट होने का। स्वाति जी उनके साथ चली गई, वो व्यक्तिगत रूप से पहले वोटिंग करने आई थी, क्या कोई किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने की प्लानिंग थी, और क्या ADM जो कह रहे हैं कि अब चुनाव आगे होंगे तो उनका आने का मतलब क्या है? एक तरीके से मंदरूप जी बात करें तो देखिए, पूरा समय निकल गया 10 बजे से लेकर 1-2 बजे तक का, बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे आपने देखा होगा, पहले कांग्रेस के पार्षद अंदर बैठे हुए, स्वाति जी इंडिविजुअल आए थे और एक अरुणा जी इंडिविजुअल आए थे, अब अरुणा जी भी अंदर बैठे हैं, और इनके जितने पार्षद हैं 20 हैं 22 हैं वो सारे के सारे अंदर बैठे हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि चुनाव प्रभावित हुआ है, अगर चुनाव कैंसिल हो जाता है तो लोकतंत्र में इससे काला दिन कोई होगा नहीं। तो मैं केवल जनप्रतिनिधि की कहें, प्रशासनिक भी बड़ी ये गलती है, जिला कलेक्टर तक इसके लिए दोषी माने जाए, क्योंकि अगर कोई अधिकारी मेडिकल लीव इमरजेंसी लेता है तो उनकी जगह दूसरा अधिकारी यहाँ मौजूद है, अगर अधिकारी मौजूद नहीं होता है तो अब ADM साहब नोर से आ गए, जिला कलेक्टर साहब भी आ सकते, 15 मिनट में गांधी पहुँच गए थे, तो इस प्रक्रिया के लिए क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल ये निशान पर है। बिल्कुल, आज के दिन ही चुनाव होना चाहिए था, लेकिन चुनाव शायद नहीं होगा, हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि BJP के पार्षद है वो 15 मिनट में आएंगे, लेकिन अगर चुनाव ही नहीं हो रहा है तो उनका आने का मतलब क्या है, मुझे लग नहीं रहा। चुनाव के बारे में भी एक गुप्त सूत्रों से हमें खबर मिली है कि जो चुनाव है वो पोस्टपोन भी हो चुका है, थोड़ी देर में लिखित भी आ जाएगा, किंतु अभी कन्फर्म नहीं आई है, सूत्रों से वाले से अंदर से खबर आई है कि चुनाव को पोस्टपोन कर दिया गया है, हालांकि थोड़ी देर में आपके पास कन्फर्मेशन भी आ जाएगी। चुनाव इसका मतलब अब पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन BJP के पार्षद अब आ रहे हैं, ये सिर्फ ये एक क्या एकमात्र दिखावा, सिर्फ दिखावा है ये इसलिए आ रहा है, शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं अपना, और इसलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं कि उनको ऐसा लगे, जनता को ऐसा लगे कि उनको पता नहीं था कि ये वोट किए गए जो चुनाव है वो कैंसिल हो रहे हैं।
तो ये आप देख सकते हैं, बात करें अगर कोई आंदोलन होता है, कोई टैंकी पे चढ़ता है तो उसके लिए प्रशासन लगाया जाता है, जितना आज वर्तमान में यहाँ लगाया जाए उसका 20-30 लाख का बिल भी आ जाता है कई बार। अगर SP अगर CI चाहे तो उसको जो खर्चा पूरे दिन प्रशासन का लगा है वो देने के लिए होता है, क्योंकि उसकी गलती की हुई होती है। अब आपने देखा होगा यहाँ पे इतना पुलिस का जाब्ता, इनका TMA भी बनेगा, ये बैरिगेटिंग, ये पानी चाहे या जितनी भी व्यवस्थाएं की गई, आज पूरा जो थानों का काम है वो सारा चौपट हो गया। देखिए नगर पालिका पंचायत समिति को रोक दिया गया, पंचायत समिति में जनता का काम सारा रुक गया, यहाँ की आवाजाही बाधित हो गई, इतना बड़ा नुकसान सर फिर कौन बनेगा? ये नुकसान जाहिर तौर पर मैं तो ये कहता हूँ, अगर जैसे योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हैं लोग, उनको बुलडोजर बाबा बोलते हैं, क्यों ना ये बुलडोजर अब इनकी सैलरी से निकाला जाए, क्यों ना जिला कलेक्टर और SDM की सैलरी से ये सब कुछ भरपाई की जाए, क्योंकि ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट था और इन साथियों ने जिन्होंने ड्यूटी दी इनकी क्या गलती है? बात तो सिर्फ दो ही लोगों की थी, या तो SDM जिम्मेदार है या जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर जिम्मेदार है, उन दो लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन मेरे को लग रहा है कि कार्रवाई करेगा, लेकिन पूरा का पूरा प्लान था जिस तरीके से आप यहाँ सुबह से देख रहे हैं ना, उस तरीके से पूरा का पूरा ये प्लान था, बिल्कुल एक प्लान के तहत ये सब किया गया। अब देखना ये है कि थोड़ी देर में BJP के पास आते हैं क्या, और अगर आते हैं तो चुनाव होता है क्या? ये 2% आते हैं क्या, रोता है क्या? थोड़ी देर में चुनाव नहीं होगा, क्योंकि RO यहाँ पर नहीं है, रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त नहीं किया गया। अगर नियुक्त होते ADM रिटर्निंग ऑफिसर होते तो अब तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती, लेकिन अब रिटर्निंग ऑफिसर नहीं है, चुनाव नहीं होगा, अगली तारीख दी जाएगी, BJP के पार्षद आएंगे, वो एक खाली दिखावा भर होगा कि हमें इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी, हम इस मामले में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन ये सब लोगों को और जनता को सबको पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, सभी का इतना दिमाग काम करता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारे समर्थक, और उधर एक बस भी खड़ी हो गई है, हालांकि चुनाव कैंसिल होना लगभग कन्फर्म सा है, तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। जैसे अभी इन्होंने बताया कि चुनाव पोस्टपोन्ड हो चुका है, ये जो इतना खर्चा लगा है इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार हमेशा जनता ही होती है, जनता के पैसों को ऐसे ही उड़ाया जाता है, जनता के पैसों को, जनता के जो टैक्स से बने पैसे हैं उसको नेता लोग उड़ाते रहते हैं, अधिकारी अपनी आराम से सैलरी रहते हैं, और ना तो काम ईमानदारी से किया जाता है ना ही। अभी अगर चुनाव समय पे हो जाते हैं तो आगे जो तैयारियां की जाती है वो पैसे बच सकते थे, मगर नहीं, इतने मतलब पुलिस अधिकारी उनकी सैलरी भी है, इतना काम जो पेंडिंग रहा उसका जिम्मेवार कौन है? क्या जनता का सिर्फ खून चूसने के लिए अधिकारी बने? क्या जनता के लिए इनकी कोई जवाबदेही नहीं है? क्यों जैसे अभी लोग काफ़ी यहाँ पर बैठे हैं, पहलवान पूनिया भी बैठे हैं, काफ़ी लोगों में चुनाव में हार जीत किसी की भी हो, मगर चुनाव हमेशा समय पर होने चाहिए, समय पर नहीं होने का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जैसे भादरा की जनता है, भादरा की जनता के अंदर अभी बारिश हुई थी, पानी नहीं निकला, खाड़ियों में घरों में पानी भर गया, जब तक चेयरमैन नहीं बनेगा प्रशासन काम नहीं करेगा, और प्रशासन का काम नहीं करेगा तो इसकी भी सभी समस्याएं जनता को भोगनी पड़ रही है, जो भादरा शहर की जनता भोगती है। हमारे पास काफ़ी वीडियो भेजते हैं कि यहाँ से पानी नहीं निकला, आप आइए, जब हम हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं, एक दिन में कैसे पहुंचेंगे? मगर अभी क्या है कि अगर जल्द से जल्द चुनाव हो जाते, चेयरमैन बन जाता तो शायद प्रशासन, अभी भी मौसम आगे बारिश आने वाली है, बारिश आएगी, शहर में पानी भर जाएगा, सीवरेज रुक जाएंगे, उसकी जिम्मेवार कौन होगा, कौन जवाबदार होगा? कोई काम नहीं हो रहा, जनता अगर पानी रुका रहेगा तो बीमारियां भी फैलेगी, फैलते रहेगी, लोग बैठे हुए हैं, आपस में बातें करते हुए मीटिंग कर रखी है भाई। जैसे आप देख पा रहे हो लोग वापस घरों की ओर जाने लगे हैं, बाइक ले लेकर पहलवान पूनिया के गुट के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग सुबह से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि कब चुनाव और कब रिजल्ट आए। अब
सुबह मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया, सोशल मीडिया के मीडिया कर्मियों को। और जो पहले मीडिया जो अखबार चलाते हैं उनको भी अंदर नहीं जाने दिया, तो ये भी एक कोई ना कोई खबर है शायद इनसे छुपाने के लिए सोच रहे थे ताकि कोई छुपा पाए। जैसे आप देख पा रहे हो चुनाव अभी तक नहीं हुए, अब रिजल्ट आ जाना चाहिए था मगर अभी तक चुनाव हुए नहीं। सारा खर्चा जनता को उठाना है, जनता को टैक्स भरना है, जनता इनके लिए कमा रही है। जब जनता के अधिकारों की बात आती है तब नेता अपने घरों में बैठ जाते हैं आराम। पार्षदों का तीन तीन बार बहुत अच्छी आओ भगत की गई है, पार्षदों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं दोनों बूथ, बड़े बंदी कर रखी है इन्होंने, साथ में बसों को उसमें लाया जाता है, बसों में ले जाया जाता है, मीडिया को अंदर नहीं घुसने दिया जाता। क्या प्लान होगा उनका कि मीडिया को ना लाया जाए? पहले तो इन बैरिकेडों के अंदर भी नहीं आने दिया जा रहा था ताकि कोई बात ना हो सके, कोई पूछा ना जा सके। अभी सभी मीडिया कर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी साथी लगातार आपको कवरेज दे रहे हैं, जो भी होगा आपको सामने दिखा दिया जाएगा। क्या बोल रहे कि खाने की व्यवस्था नहीं है बाहर लोग सबकी अलग अलग चॉइस है। बलवान बुनिया जी कुर्सी पे शटूल पे आराम से बैठे हुए हैं, ये हमारे एक साथी लगे हुए हैं खाते पत्रकार। कमेंट आया कि पार्षदों में खुशी की लहर, कुलदीप सिंह मील का, बिल्कुल पार्षदों में तो खुशी की लहर चलती रहती है, उनके तो चांदी चांदी है, गजब की आओ भगत है, आराम है। अभी मैं नाम लिखा हुआ पता नहीं लिख रहे हैं, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल हो सकता है, गोलमाल हो इसी वजह से चुनाव ना हुआ हो।
काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, पढ़ रहा हूं मैं साथ में, कोशिश कर रहा हूं कि सभी के कमेंट जो दिखाई दें। जात हंसमुख लिख रहे हैं कि लाहौरी जीरा पिलाओ मीडिया वालों को, अरे पानी पी लेंगे हम तो भाई, कोई बात नहीं है। संजीव जिंदाबाद, विधायक जी जिंदाबाद, नारे लगा रहे हैं। चलो आपकी है, आप जिंदाबाद करते रहो, हमें जो काम है हम दिखा रहे हैं, आपको सामने दिखा रहे हैं, जो खबर होगी आपको दिखाते रहेंगे। मीडिया का काम होता है मीडिएटर, जनता की बात अधिकारियों तक, प्रशासन तक और जनप्रतिनिधि तक पहुंचाना, और उनकी बातें सरकार की, राज्य सरकार की जो भी नीतियां होती है वो जनता को पहुंचानी। अच्छा क्या कहना चाहोगे, अब तय बताओ क्या कहना चाहो। मैं तो आता भूखा पे लग रहा है, क्या कहते हो भी आगा हो सुनाओ मेरे उठ जाओ, कहीं कहते हो तो उसमें डीक दियो डीक लिया बोलो पड़ो के मार दो समझ में कोई आवे। अच्छा बोलो पड़ो बता दे तो ही मानता हूं सुनाओ तो आगा जा रोज होवे कितने दिन है सुनाओ। समय तो शायद चुनाव के आचार संहिता में निकाल दे तो काम कुम फिर कराई को लगेड़ी रह गई को लगी तो जेटा लगेड़ी रह रहे कोई भी जाएगा जो लगेड़ी है ना खुला नहीं भिड़ है। सही बात है तारी, अरे बात ठीक लगी मैंने, बढ़िया गई है क्या जनता नहीं फिरना पड़े तो मैं तो फिर मैं तो धूप में खड़े हाँ देखो ना ना सारा ही फिर लाग रहे तो थे या पुड़िया खा के फेंक दी या भी तो ताना सही है नी या पुड़िया खाई रू रही गंदगी फेंक दी या ताना सही को नहीं गई कोई नहीं थे थे तो खा के सो आराम तानाशाही उनकी तानाशाही बता रहे हैं और खुद पुड़िया खा रहे हैं और रोड पर फेंक रहे हैं ये कचरा फैलाना कौन से भाई। थाने लगातार मैं खबर दिखाने लग रहा वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करूं। चुनाव अधिकारी की जिम्मेवारी थी कि चुनाव समय पर करवाए, एसडीएम की जिम्मेवारी थी, मगर एसडीएम अचानक उनको क्या प्रॉब्लम हुई क्या दिक्कत हुई कोई मेडिकल इशू हुआ वो छुट्टी पर चले गए। राज्य सरकार को केंद्र सरकार को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि क्या कारण रहा कि चुनाव समय पर नहीं हो पाए। कोई न कोई तो दिक्कत रही होगी शायद, इसलिए चुनाव समय पर ना हो पाए। लोग यहाँ पर सुबह से गर्मी के अंदर खड़े हैं, आराम से बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि ये तो ये बोल रहे हैं कि या तो हमें ये बताओ कि चुनाव अब होगा या नहीं होगा ताकि हम हमारे घर घर की तरफ चले जाएं। बलवान पुनिया जी बैठे हुए इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। ये लोकतंत्र की हत्या है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, ये हजारों लोग यहाँ खड़े हैं और हमारे पार्षद भीतर हैं, चाहते हैं दो बजे तक कोई वोट डलवाए। भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को ख़त्म करने का चंडीगढ़ जैसा प्रयास दुस्साहस बादरा में करा है। इसके खिलाफ सिर्फ हमारी ड्यूटी नहीं है, आप सब लोगों की ड्यूटी है, हम सब मिलकर के लड़ें। सब लोग मिलकर के नहीं लड़ें तो एक दिन किसी का वोट नहीं डलेगा, वोट नहीं डलेगा तो आपकी और हमारी कोई औकात नहीं बचेगी, लोकतंत्र में कुछ नहीं बचेगी। आखिरी से आखिरी आदमी की पूछ इसीलिए है कि उसका वोट है, वोट के उसके वोट से सत्ता बढ़ती है, सत्ता में उसकी भागीदारी है। दूसरों पक्ष है जिसको बीजेपी को बंगा 3 पार्षद आया और वे भी फिलहाल कोनी हटे हुए चला गए और बंगा कोई पार्षद है जिसको कोनी आया नहीं, गलत कह रहे हो, 2 आया और वह 1 पार्षद और वट है स्वाति नड्डा बन सके ले गया, वह ही काम आया, ये गलत कह रहे हो, 2-3 आया, 3 को नहीं आया, 2 आया 1 ले गया, पहली महाराज 20 पार्षद आया बाकी से स्वाति जी आया। स्वाति जी अलग आया, अलग आया स्वाति जी अलग आया, मैं वोट डालन आया मान मेरे को नहीं आगे लोकतंत्र को जो लेना पड़ा है रखे मान मेरे को नहीं बाबा।
टाइम लगेगा, कोर्ट बस 20 मिनट बाद तो आप देख पा रहे होंगे बलवान पूनिया नित्य निरंतर इस धूप में लगातार 4 घंटे से बैठे हुए हैं और लगभग 10 बजे इनके साथ ही आ गए थे। बलवान जी, हमें सूचना मिल रही है कि बीजेपी के पार्षद अब आ रहे हैं, क्या कोई रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पर है जो चुनाव होगा? ड्रामा करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, ये ढोंग करने के लिए आ रहे हैं? हाँ। ये ढोंग करने के लिए कि देखो हम भी वोट डालने आए थे, अधिकारी तो वास्तव में छुट्टी चला गया, रूलिंग पार्टी अपनी शान बचाने के लिए आ रही है, जबकि इस पूरे के पूरी कुकृत्य की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, इस पूरे कुकृत्य की, इसके खिलाफ लड़ाई पहले भी जारी थी, लोकतंत्र बचाने की आज भी जारी रहेगी। और हम उम्मीद करते हैं जिस दिन भी ये तारीख देंगे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को, ये पार्षद भादरा के एक एक पार्षद जिताने की पूरी पूरी भरसक प्रयास। अच्छा, ऐसे आ रहे हो कि अब दोबारा नियुक्ति तो कम से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब इतने वो प्रभावित कर सकते हैं तो ऐसे आरओ को दोबारा तो नहीं लगाया जाए कम से कम? जी, अभी तो चुनाव आयोग ने कोई नई तारीख या अपनी गलती स्वीकार करने की चिट्ठी जारी नहीं करी। हम तो ये कह रहे कि चुनाव में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, पर दोषी अब अधिकारी यही नहीं साहब, अधिकारी तो उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूँ लोकतंत्र बचाने के लिए काम करो, आपकी नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने करी, चुनी हुई सरकार ने करी है, वो किसी पार्टी की हो सकती है, आपकी नियुक्ति किसी पार्टी ने नहीं करी, किसी पार्टी की सरकार के समय हुई है, इसलिए सबका संविधान के तहत लोकतंत्र बचाने का कायदा है, वो लोकतंत्र बचाने का काम करें, मैं तो अधिकारियों को ये कहना चाहता हूँ। चलिए चलिए, आप देख पा रहे होंगे लगातार इस धूप में बलवान पूनिया जी जो है वो बैठे हुए हैं, और अभी थोड़ी देर में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आने की सूचना है, थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो है वो यहाँ वोट डालने के लिए पहुँचेंगे, और हालांकि वोट शायद आज चुनाव कैंसिल की लगभग हो गया है और उसकी घोषणा होना अभी बाकी है, हालांकि ऐसे में अभी पार्षद आने की सूचना है। हालांकि हमारे फोन भी वर्तमान में हीट हो रहे हैं, फिर भी हम आपके लिए लगातार जो है वो प्रयास करके अभी आप देख पा रहे होंगे बलवान पूनिया भी अपने समर्थकों से कुछ कह रहे हैं। तो आप देखें पूनिया अपने समर्थकों से कुछ कह रहे हैं, और आप देख पा रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद वर्तमान में पहुंचे हैं, और लिखित में दो, हमारी प्रेजेंस दो, हमें 10 बजे से लगातार 2 बजे तक बैठे हैं, लिखित में लेंगे, कारण सही थे कि हम भी 22 आदमी मौजूद बैठे हैं यहाँ पे, और हमें प्रेजेंट कीजिए, 30 क्रमांक आदेश क्रमांक आया आपके पास, जिला निर्वाचन अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग का जो भी आपके पास आदेश है, और हमें कैंसिल का कारण बता दीजिए और हमारी प्रेजेंट दे दीजिए कि हमने कितने लोगों ने इस मीटिंग में भाग लिया। कोई नई तारीख दी है अभी तक? नहीं है। एडीएम कैंसिल होने की कोई पूर्ण रूप से कैंसिल होने की पूरी संभावना है ऐसी है। चलिए, आप देख पा रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं, और आप देख पा रहे होंगे अब चुनाव लगभग ये मान लीजिए 2 बजने में तकरीबन 24 मिनट अभी बकाया है, ऐसे में अब आप देख पा रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद यहाँ पहुँचे हैं, और लगभग 24 मिनट बचे हैं, और इस 24 मिनट में फैसला आ जाएगा कि क्या चुनाव होगा, और लगभग माने तो चुनाव कैंसिल होने की। बलवंत सैनी, अनवर कुरैशी, युवराज आप देख पा रहे होंगे, उनके अलावा दयानंद खोखेवाला, उनके अलावा मांगीलाल गोयल, उनके अलावा हरिप्रकाश शर्मा, उनके अलावा अगर बात की जाए तो पूजा सैनी भी हमें दिखाई दे रही है, और जैसे जैसे इनके पार्षद आएंगे हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। गौरव सोनी भी हमें दिखाई दिए हैं उनके साथ साथ।
आप देख पा रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है और देखें पूजा सैनी, पूनम वर्मा भी हमें दिखाई दी हैं, हरिप्रकाश शर्मा भी हमें दिखाई दिए हैं, दयानंद खोकेवाला जी दिखाई दिए हैं, जगदीश जी भी दिखाई दिए हैं, इनके अलावा शारदा जी भी हमें दिखाई दिए हैं। देखिए हरिप्रकाश जी भी यहाँ मौजूद है। हरिप्रकाश जी एक तरीके से काफी बड़ी जीत लेके आए थे, बताइए हरिप्रकाश जी कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? खूब 100% आश्वस्त हैं और हम एक साथ 20 लोग आए हैं और चार और पार्षदों की भावनाएं हमारे साथ है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत होगी। चुनाव आरओ नहीं है, रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम नहीं है यहाँ, तो वोट देने के लिए आए हैं, अभी अंदर जा रहे हैं, देखते हैं क्या स्थिति आके फिर मनरूप जी आपको सारी स्थिति। अच्छा, आपको पहले से पता नहीं था भी एसडीएम साहब नहीं आरओ साहब? इस बात का कोई संज्ञान नहीं है, हम तो अभी खाना खाने रुके थे, खाना खा के। अच्छा, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एसडीएम यहाँ पर है नहीं, आरओ यहाँ पर है नहीं, तो चुनाव कैसे देखते? अरे विपक्ष वालों का तो क्या है, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा नगरपालिका का दुरुपयोग किया है, खिसियानी बिली खम्बा नोचे, विपक्ष की तो ये स्थिति है। अच्छा, रिटर्निंग ऑफिसर नहीं होते हैं अंदर, एसडीएम नहीं होते हैं, तब फिर आप लोग क्या कोई इसको लेकर? अभी देखते हैं, अंदर जा रहे हैं, कोई ना कोई प्रशासनिक अधिकारी होगा, फिर आपको आगे स्थिति। आप देख पा रहे होंगे सारे जो पार्षद है और 20 पार्षद इनके आप देख पा रहे होंगे, ये सारे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दयानंद जी होके वाला भी। दयानंद जी कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? जीत सुनिश्चित है, हमारे पास बहुमत से ऊपर संख्या है, हम उस सिस्टम से वोट डालने के लिए जा रहे हैं, वोट डालने के बाद पता लग जाए किसके पास कितने वोट। चलिए, आप देख पा रहे होंगे सारे जो पार्षदगण है वो यहाँ पे इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, हालांकि तकरीबन सूचना ये है कि चुनाव को कैंसिल किया जा सकता है और ऐसे में नंदलाल सैनी जी आप देख पा रहे होंगे और ये आप देखें प्रेम झोरड़ जी, अनवर जी, ये देखें 20 पार्षद गिना रहे हैं अपने, नंदलाल जी जो है वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं अपना, 20 पार्षद अपने ये देख पा रहे होंगे आप। ये देखें 20 पार्षद आप देख पा रहे होंगे, पूजा सैनी आप देख पा रहे होंगे वार्ड नंबर 3 से ये जीत के आए थे, अनुज कुरैशी वार्ड नंबर 9 से निर्विरोध जीत के आए थे, गौरव सोनी आप देख पा रहे होंगे और अब ये देख पा रहे होंगे। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें और ये अपनी पावर शक्ति प्रदर्शन दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी अपना कि 20 पार्षद हमारे पास है और अंदर दावा किया जा रहा था कि हमारे 25 बैठे हैं, 24 बैठे हैं, देखें आप जाने दो, तो आप देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 देखिए पूरे जो इनके जो 20 पार्षदों का दावा था और वो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे ये रेलगाड़ी बना के चल रहे हैं पूरे के पूरे जो पार्षद हैं वो, और ये देख पा रहे होंगे आप, ये देखें आप, ये देखें, देखिए प्रेम जी वार्ड नंबर 40 से जीत के आए थे, विशाल जी आप देख पा रहे होंगे वार्ड नंबर 29 से जीत के आए थे, युवराज वार्ड नंबर 17 से जीत के आए थे और ऐसे में बलवंत सैनी जी, इसके अलावा जगदीश जी, दयानंद जी और जिंदाबाद, ये देख पा रहे होंगे आप। ये आप देख पा रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के 20 पार्षद जो है वो इस वक्त यहाँ पे पहुंचे हैं और बलवान पुनिया जी देखिए खड़े खड़े देख रहे हैं टेबल पे चढ़ के और यहाँ पे सारे पत्रकार साथी भी इस वक्त पहुंचे हैं। अब देखना ये है कि माहौल कैसा रहता है और ये देखिए जगदीश जी भी आए हैं, ठेकेदार जी भी आए हैं और हम आपको दिखाते हैं, आप लगातार शेयर करते रहे, पुलिस भी लगातार सुबह से अपनी ड्यूटी यहाँ कर रही है और अब माहौल थोड़ा गर्माया है क्योंकि लगभग आधा घंटा जो है वो चुनाव में पेंडिंग है। आप देख पा रहे होंगे पूर्ण रूप से आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी, 20 पार्षद साथ में लेके आए हैं ये अपने, देखिए बलवान पुनिया देखिए टेबल पे खड़े हैं और खड़े खड़े देख रहे हैं जो इनके 20 पार्षद आए हैं उनको और आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखिए
बलवानपुर ने टेबल पे चढ़ के देख रहे हैं और ये कंफर्म बात है, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दोबारा तारीख दी जाएगी और तय हो चुका है। ये न्यूज है, ये एक प्रकार से राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी की तरफ से फाइनल तो रिपोर्ट है। आप देख पा रहे होंगे अभी चुनाव नहीं होने की खबर आई है और थोड़ी देर में कंफर्म खबर भी आ जाएगी, तारीख दी जाएगी, उसके बाद ही दोबारा चुनाव होंगे। अब जो बीजेपी के पार्षद आए हैं वो एक महज शक्ति प्रदर्शन जरूर कह सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे अपने 20 पार्षद साथ लेके आए हैं कि उनके खेमे में कल 20 पार्षद दिख रहे थे। हालांकि स्वाति नाटा पहले अलग से आई थी, स्वाति नाटा अब इनके साथ आई है, तो वो स्वाति नाटा को वैसे ही इंक्लूड किया जा चुका था बीजेपी सब लोग इस वीडियो लगातार करते रहे। फायदा किसे मिलेगा, नुकसान किसे होगा, ये देखने वाली बात है। अगर आज चुनाव नहीं होता है तो इसका नुकसान और फायदा किसे होगा, ये बड़ी बात है। दोनों तरफ बराबरी का मुकाबला अगर देखें पार्षदों के आने के हिसाब से, वार्डबंदी और खेमे के हिसाब से बराबरी का है, लेकिन वोटिंग में कौन किसे वोट करेगा ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि वोटिंग में आपको बता दें यहाँ पर क्रॉस वोटिंग होना ही है, ये तय है, ताई यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं बनता। देखिए थोड़ी देर में नई तारीख डिसाइड हो जाएगी, चुनाव आज नहीं हो रहे हैं, फाइनल हो चुका है, चुनाव वैसे आप देख रहे हो लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं बाजार लाइव। अभी लोगों में दोबारा उत्साह हो गया, सारा 20-20 सारा 22-22 पार्षद आगे दावो करे और पार्षद है कुल 40 से तो कोई न कोई मैथ में भूलू लिखे दस के 22-22 40 हो तो सुना सुने 22-22 44 हो। अगर एक का 22 होगा तो दूसरे का 18 होगा, पर ये 22-22 दोनों का कमी आज का क्या अपन को लगे सिस्टम। सभी मीडिया कर्मी लगे हुए जी जान से लगे हुए जबरदस्त मेहनत करते हुए सभी। आज चुनाव होंगे नहीं, तारीख का ऐलान होगा, बीजेपी के पार्षद आए हैं, फाइनल है, ये नई तारीख आएगी और राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही नई तारीख देगा और नया आरंभ उसके बाद ही ये चुनाव की तारीख का ऐलान होगा। अब हो जाएगा एडीएम साहब अंदर है तो चुनाव अब होंगे नहीं, सिर्फ पार्षद अंदर है। शायद ये सुबह से ही लग रहा था कि हमें रोका गया था तो बिल्कुल, बिल्कुल। हमने आइडिया नहीं लगाया बिल्कुल कि हमें क्यों रोका जा रहा है, कभी ऐसा हुआ तो नहीं कि पहले रोक दिया गया हो, मगर आज सुबह ही रोक दिया गया था कि अंदर नहीं जाना है, यह कोई प्लानिंग हो पहले की। बोल वो करके बोल वो करके
लगातार बादल लाइव पर आपको खबरें दिखाई जा रही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी अपना दावा कर रहे हैं 22-22 पार्षदों का, मगर लेकर आ रहे हैं 20-20, तो 22 किसको आएंगे, 40 कुल पार्षद 40 है, अब किसके साथ भीतरघात होता है, किसके साथ धोखा होता है वो देखा जाएगा, चुनाव होने के बाद रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कि किसके साथ ये धोखा हो गया। इधर मुस्कान कुरैशी की जीत बता रहे हैं लोग, अनवर अपनी जीत बता रहा है, दोनों के पास 20-20 पार्षद हैं, अब एक या सभी दावा कर रहे हैं कि सामने वाले के 4 पार्षदों का हमारी तरफ मन है, इधर वाले भी यही बोल रहे हैं कि 4 पार्षदों का हमारे पास मन है, अगर 4-4 आ जाते फिर भी बराबर रहेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो पूर्व विधायक बलवान पूनिया कुर्सी सटोल पर खड़े हो गए हैं, लगातार अपने फोन पर मैसेज देख रहे हैं क्या है। लगातार आप देख रहे हो बाजरा लाइव, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पहली बार आप दर से देख रहे हैं क्या किसी नगर पालिका चुनाव में ऐसा? पहली बार देख रहे हैं। क्या मीडिया जागरूक नहीं है देश की? चंडीगढ़ से शुरू हुआ था लोकतंत्र पे कलंक लगाने का, काला धब्बा लगाने का इनका काम है भाजपा सरकार, जब जनता का मत इनके साथ नहीं है तो जमीर बेचे हुए अधिकारी जो सब लेते हैं ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले और सबको ताक पर रखते हुए इस तरीके से भागते हैं। आज तक आपने कभी अपनी उम्र में सुना है इस तरीके से चुनाव जीतने और पर्चे दाखिल होने के बाद इस तरीके से कोई अधिकारी वोटिंग करने से बचते हुए भागते हैं? सुना है कभी? आप जवाब नहीं सुना तो फिर ये हो क्या रहा है? फिर ये कर देना नॉमिनेट सरकार से, कहा हम कोई चुनाव नहीं कराएंगे, ये रहेगा, यही करना चाहती है मोदी सरकार, यही करना चाहती है बनलाल सरकार, क्योंकि लोकतंत्र में इनका विश्वास ही नहीं है। इनका मुख्यमंत्री कैसे चुना? आपने देखा है पर्ची से चुना जाए, लोकतंत्र में विश्वास कहाँ है? चुने हुए विधायकों को कुछ मुख्यमंत्री नहीं बनाए, तो ये तो यही करना चाहते हैं। और मैं आगाह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से यहाँ के जिला प्रशासन को, यहाँ के प्रशासन को, कि किसी भी तरीके की धांधली जागरूक जनता नहीं होने देगी और उसका खामियाजा भुगतने के लिए आप तैयार रहें, मुकदमे लगाने हो जो कुछ करना हो हम उसके लिए तैयार हैं। तानाशाही असंवैधानिक तरीके से चुनाव हम नहीं होने देंगे, ये बचना चाहते हैं, अभी इनके पास टाइम है, समय रहते हैं फैसला कर ले। मैंने अभी रस्ते में मीडिया के माध्यम से देखा था कि जिले का जिलाधीश कह रहे हैं कि मैंने जयपुर से मार्गदर्शन मांगा है, हद होगी यार, इस तरीके से कहीं होता है? करे ना ये चुनाव का सामना, कौन रोकता है इनको? और नहीं अपने बाप की प्लेट लगा ले यहाँ जिसको लगानी है, कहीं हमारी है लोकतंत्र विश्वास नहीं। दो दिन पहले पार्षद का चुनाव हुआ, आज पता है वोटिंग होनी थी, जब बहुमत नहीं जुटा पाई थी, पर मैं उनको दोषी नहीं मानता जिन्होंने भी करवाया, दोषी मानता हूँ संवैधानिक पद की शपथ लेके बैठने वाले अधिकारी को कि उसने अपना जमीन बेचा है, वो ड्यूटी कर ले उस नेता के घर जाके जिसने भी उसको ये आदेश दिया। तो आप चाहेंगे रिटर्निंग ऑफिसर जिला कलेक्टर, जो जिला ऐसे कोई रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं इन पर कार्रवाई हो आप चाहते हैं? मैं कहता हूँ मुकदमा दे दो ऐसे अधिकारी के खिलाफ, और जिस डॉक्टर ने मेडिकल जारी किया है बोर्ड बैठा के जांच करवाई जाए और डॉक्टर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा, गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके इसका विरोध भी किया। मैं कहता हूँ बादरा की नगरपालिका के गायक से लेकर जयपुर के सचिवालय तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी और देश को बताया जाएगा कि किस तरीके से ये लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है भाजपा की सरकार, ये देश को आपके माध्यम से बताया जाएगा। और मैं तो मीडिया के साथ ये भी कहना चाहता हूँ, अगर चौथे स्तंभ में कहीं नैतिकता बची है तो बिल्कुल इसको हाईलाइट करते हुए पूरे देश को बताएं कि बादरा में क्या हो रहा है। अच्छा,
विधानसभा का सत्र चल रहा है, अमित चौहान जी से भी आपकी बातचीत हुई होगी, इस मामले को लेकर वो आवाज रखे? मेरी विधायक जी से बात नहीं, कहाँ चल रहा है? एक दिन में भाज गई भाई, एक दिन में भाग गई भाजपा सरकार, सीधा बजट लेके आएगी 10 तारीख को। चर्चा नहीं करना चाहते, चर्चा पे इनका विश्वास ही नहीं है, जनता की मांग सुनने का इनका विश्वास ही नहीं है, चुने हुए प्रतिनिधियों की आवाज सुनने पर इनका विश्वास नहीं है। ये तानाशाही तरीके से आना चाहते हैं, तो देश की जनता का भला हो, जो आईना दिखाया मोदी को, पर अभी भी इनको अक्कल नहीं आई, अक्कल नहीं आई। जनता जनार्दन है, जनता जो चाहेगी वो होगा, चाहे कैसे हथकंडे अपना लें। भादरा नगर पालिका का चुनाव भी इनको एक बात सुनी, मैं बागड़ी में कह रहा हूँ, 100 जूत ही खाएगा और 100 प्याजी ही खाएगा, काम करेगा, चंडीगढ़ शपथ भी खाएगा और मुस्कान जीतेगी भी। अच्छा, पूरी राजस्थान की कांग्रेस पार्टी साथ है इस पूरे भादरा? मैं मेरे कांग्रेस पार्टी के तय किए गए प्रत्याशी के समर्थन में जैसे ही मुझे पता चला, मैं मेरी सीट छोड़ के आया हूँ, कंधे से कंधा मिला के हम सड़क पे लड़ेंगे। यहाँ जो ये सोच के बैठे हैं कि हम कोई षड्यंत्र पर कोई काम कर लेंगे, वो सचेत रहे, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये लोकतंत्र के परिणाम को इनको प्रदर्शित करना ही पड़ेगा कि जनता क्या चाहती है। अच्छा, अब चुनाव तो 2 तारीख को होंगे, आज होंगे ही नहीं, ये बात अब तय है, रिटर्निंग ऑफिसर कोई नया आएगा, क्या ये आज का दिन जो आज जितना इसकी प्रोसेस हुई है, हजारों लाखों रुपए खर्च हुए हैं इसके पीछे, इतने हजारों कर्म कार्मिक? मैं तो कहता हूँ कि एक आंदोलन जब कोई किसान करता है तो ये एस्टिमेट डाल देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में इतना पैसा सरकार का खर्च हुआ है। सबसे पहले तो जिले के कलेक्टर को चाहिए कि जितना ये पैसा खर्च हुआ है इस SDM के अकाउंट से वसूल करे और मुकदमा दर्ज करे इसके खिलाफ। किसकी नेगलिजेंसी हुआ, क्यों हुआ, कभी मैंने नहीं देखा। पंच के चुनाव से लेकर प्रधानमंत्री के चुनाव तक हमने नहीं देखा। एक तो चंडीगढ़ का देखा जिसका जूता मारा सुप्रीम कोर्ट ने आपके सामने, दूसरा ये यहाँ का। तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा? कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, प्रदेश में जाए, जहाँ भी जाए, हम जनता की आवाज को यहाँ उठाते रहेंगे और जनता जो चाहती है वो निर्णय करवा के। चलिए, शुक्रिया सर। सोन ढिल जी जो प्रधान है नौर पंचायत, उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात कही कि जो इस चुनाव के अंदर खर्चा लगा है वो खर्चा इस अधिकारी से वसूल किया जाए, मगर ऐसा बहुत कम होता है। जनता का खून चूसा जाता है, जनता के टैक्स के पैसों को ऐसे उड़ाया जाता है। कांग्रेस की बहुत पुरानी परंपरा है दूसरों पर आरोप लगाना, चुनाव निर्वाचन अधिकारी हो वो अचानक बीमार हो गयो, चुनाव हो बीमार हो दूसरों निर्वाचन अधिकारी हो, चुनाव पोस्टपोन कर दिए, तारीख निर्वाचन हो दोबारा काट हो, जब भी कोई आदेश होगा मैं ऐसा चुनाव दोबारा ADM साहब ने मौखिक देखा है चुनाव पोस्टपोन हो गया, कितनी अब देंगे लोगों के पास चुनाव पोस्टपोन हो गया करेगा। चलिए, आप देख पा रहे होंगे जो चुनाव है नगरपालिका भादरा का वह पोस्टपोन हो चुका है, ये ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ, भादरा नगरपालिका का चुनाव पोस्टपोन किया जा चुका है और पोस्टपोन करके अब पुनः बड़ाबंदी होगी, पुनः सब कुछ किया जाएगा, नई तारीख निर्वाचन आयोग घोषित करेगा और अब तकरीबन 3-4 मिनट में सारे पार्षद बाहर आएंगे और ऐसे में सोन ढील और बलवान पुनिया भी आप देख पा रहे होंगे टेबल पर चढ़ चुके हैं। ऐसे में इन्होंने लगभग 11 बजे ये बात कह दी थी कि अंदर वोटिंग नहीं करवाई जा रही है और एक तरीके से प्रशासन की कहें तो प्रशासन की बड़ी लापरवाही जो है वो एक तरीके से कहें तो ये नुकसानदायक बनी है और अब चुनाव की नई तारीखें आएगी, तारीखें आने के बाद किस दिन चेयरमैन का चुनाव होगा ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में आप देख पा रहे होंगे बलवान पूनिया और उनके समर्थक, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी यहाँ पहुँचे हैं, अब पुनः बाड़ाबंदी की जाएगी और तकरीबन मेरे अनुमान से 1 हफ्ते बाद चेयरमैन का चुनाव जो है वो दोबारा किया जा सकता है। अब इंतजार करें चुनाव का और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दयानंद कोकेवाला जी कुछ बोल रहे हैं, उनसे सुनते हैं। ऐसी कोई कहानी नहीं है, बहुमत हमारे पास है, लेकिन ये कुछ भी मानो आज हमारा रिटर्निंग अधिकारी बीमार हो गया और
और इस वजह से चुनाव पोस्टपोन किया। आप सत्ता में इसलिए ज्यादा आरोप लगा रहे हैं? सत्ता के तो आरोप लगेंगे ही। पूर्व विधायक बलवान पूनिया कह रहे हैं हम धरना पर, आज धरने पर बैठ जाएंगे। ये पुराना काम है, ये तो बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी आपने दयानंद खोखेवाले जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि चुनाव को मौखिक रूप से पोस्टपोन कर दिया गया है, अभी कोई लिखित में आएगा तो हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे, खबरें देते रहेंगे। और इन्होंने दोपहर को ही बता दिया था कि चुनाव शायद पोस्टपोन होंगे। बलवान पूनिया जी ने धांधली का आरोप पहले ही लगा चुके हैं और ये बात कहीं डरती हुई कि चुनाव आज नहीं होंगे। चुनाव पर जो खर्चा हुआ, खर्चा लगा, क्या वो जिस अधिकारी की लापरवाही से हुआ, किस वजह से हुआ, क्या उससे वसूल पाएगी सरकार, या सरकार से जनता की गलती के कारण जो खर्चा होता है, जो किसानों के आंदोलन के कारण खर्चा होता है, वही जनता से वसूल सकती है, या जनता के टैक्स के पैसों को ऐसे उड़ाती रहेगी, ये हमें सोचने और देखने की बात है कि जनता के पैसों को कैसे उड़ाया जाए। जनता को इतना मतलब खर्चा लगा, चुनाव इतना बड़ा चुनाव नहीं है, 40 वोट पड़ने थे और वो नहीं करवा पाए। दावे किए जाते हैं बड़े बड़े अधिकारी, दूसरा अधिकारी तुरंत पहुंच जाता है जब कोई घटना घटती है या कोई और आंदोलन होता है, जैसे गांधी बड़ी आंदोलन हुआ था तुरंत अधिकारी पहुँच गए थे, छेड़ा में कभी अगर कोई हुआ तो वहाँ पहुँच गए, मगर भाजपा के चुनाव के अंदर नहीं पहुँच पाए। काफ़ी समय सुबह से ही मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, सब किसी ने आइडिया लगाया था, मगर जो दोपहर हुई तो धीरे धीरे पता चलता गया। और अब जब कुछ समय बाकी है, 5-7 मिनट 10 मिनट बाकी है, तो क्लियर हो चुका है कि चुनाव पोस्टपोन हो चुका है। जैसे जैसे अभी शायद समय 2 बजने में 2 मिनट की ही बाकी रही है, इसमें चुनाव तो शायद आज नहीं हो पाए। पार्षद बाहर आएंगे, जांच होगी, जांच के अंदर कौन दोषी होता है वो आगे देखने वाली बात है। लोगों में उत्साह है, लोग आपस में नारे लगा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। सुबह तो मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया था, मीडिया को इसी वजह से रोका जा रहा था, मीडिया बात नहीं कर पाए। टेबल को बैठ, टेबल सारे टेबल वाले चलो चलो अलग रहो अलग रहो। अंदर 10 बजे से लेके 3:30 बजे तक तो नाटक चल ही रहा था कि निर्वाचन अधिकारी आएंगे, अब एडीएम साहब आए, उन्होंने मौखिक ये बोल दिया कि जाओ चुनाव जो है वो आगामी तारीख को होंगे। हमने कहा लिखित रूप में दे दो, उन्होंने कहा लिखित में नहीं देंगे हम, लेकिन इसी बात पर बैठे नहीं, उन्होंने कहा लिखित नहीं दे सकते, मैं तो व्यवस्था बनाने के लिए अंदर आदेश देने
जो आप देख पा रहे होंगे प्रशासन, मैंने आपको बताया था कि पत्रकारों को बाहर निकालने की सुबह मेरी बैग, एक मिनट सर, मेरी बैग पड़ी है उधर, वो ले सर, हमारी उस्मान पड़े, ले आएंगे, दो मिनट रुक जाओ। तो आप देख पा रहे होंगे अब दो बज चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे पुलिस जो है वो बैग लिया, अपनी बैग और वो लिया। तो आप देख पा रहे होंगे और बैग वैग तो लिया नहीं, दूसरे चले जाएंगे। तो आप हमने आपको सुबह भी बताया था और ऐसे में आप तो आप सब लोग देख पा रहे होंगे। सही थे और यहाँ पे अभी और आप देख पा रहे होंगे यहाँ थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल भी हो गया था, ऐसे में देख पा रहे होंगे और ये देख पा रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो है वो इस वक्त बाहर आए हैं और ऐसे में चुनाव हुआ नहीं है और अब आप देख पा रहे होंगे चुनाव अधिकारी के बीमार होने वजह चुनाव स्थगित हो गए। तो अब कब होंगे, क्या स्वास्थ्य सरकार पे है, वो सरकार जो भी अगला आदेश सब आएगा, सरकार के आदेश यही है, कलेक्टर के बस ये बात नहीं है, राज्य सरकार जो भी निश्चित करेगी आगे तारीख तभी चुनाव कब होंगे, लेकिन आज से नहीं हो पाएगा, आज ही हो पाएंगे, दो तारीख होगी, दो बज गए वहाँ आदेश भी दे दिया आप लोग जा सकते हैं, चुनाव नहीं होगा। अच्छा चलो लिखित भी होता है क्या, चलिए आप देख पा रहे होंगे ये पार्षदगण थे भारतीय जनता पार्टी के और चुनाव अभी कैंसिल हो गए हैं। अभी हम सारे गए थे, हम तो वोटिंग के लिए आए हैं, लेकिन जो रिटर्निंग अधिकारी है अकस्मात उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, उन्होंने छुट्टी ले ली। सर आप लोगों पे बलवान पुनिया तानाशाही के आरोप लगा रहे हैं कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सारा क्रिया कराया है, चुनाव को सही नहीं होना, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस आई नहीं, उन्होंने तो हमेशा लोकतंतर की हत्या। प्रेम जी ताना से बात की, जब बलवंत वाइस चेयरमैन थे, चेयरमैन के पद पे बैठ रहे थे तब उनको रोका गया, तब ताना साहब खाते, आज इस ताना साहब बात कर रहे हैं, ये तो है रिटर्निंग अधिकारी बीमार है, बीमार कोई भी हो सकता है, ये जरूरी थोड़ी है। चलिए आप देख पा रहे हो, क्या बताइए सर, क्या क्या प्रक्रिया रही, प्रक्रिया ये है आरओ साहब जो है रिटर्निंग ऑफिसर है वो बीमार हो गए अचानक, अब सारे सर आप लोग बाड़ेबंदी में जाएंगे अभी वापस, नहीं नहीं आप अपने अपने घर जाएंगे। अच्छा तो चुनाव की तारीखें अभी एक हफ्ते बाद, ये कब तक अनुमानित है, कभी भी आ सकते हैं, जल्दी आ जाएंगे। चलिए आप देख पा रहे होंगे ये सारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और अभी कोई हालांकि कोई हंगामा भी यहाँ पे हो गया था और हम आपको लगातार जो है वो लाइव इस वक्त तस्वीरें भादरा नगर पालिका से दिखा रहे हैं और अभी आप हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े रहे हैं, हम आपको लगातार बताते रहेंगे। चुनाव कैंसिल हो चुका है, मैं आपको बता दूँ, फोन आपके पास है मेरे वाला, तो उस कारण से वो उसमें, और अभी थोड़ी स्थिति भी जो है वो यहाँ पे गर्मा गर्मी हो गई थी और अभी कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो भी बाहर आएंगे, मैं आपको बता दूं, बलवान पूनिया की भी प्रेस वार्ता है इस चुनाव को लेकर थोड़ी देर में, उसके लिए भी हम आपके समक्ष लाइव रहेंगे, वो भी हम आपको लाइव दिखाएंगे, मैं आपको बता देना चाहूँ और आप देख पा रहे होंगे बलवान पूनिया आप कुछ अपने समर्थकों से कह रहे हैं, उसके बाद हम आपको हेलो मैं करूं लाइव आ रहा हूँ। अभी तक दूसरी कोई तिथि घोषित नहीं करी।
भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण रूप से दबाव में चंडीगढ़ दोहराना चाहते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो हरकत करी गई थी वो की वो हरकत आज भागरा हुई है और इतने ड्रे में थे हमारे पार्षद 20 मैं नहीं कह रहा हमारे 21 आए थे बस में हमारे 20 पार्षद एंटर कर गए भीतर 21वीं पार्षद स्वाति नेता आई। हम इंतजार कर रहे थे कि हमारे पार्षद भीतर आएंगे बाहर आएंगे वोट डाल के आ जाएंगे। उन्होंने वोट डलवाई। यह लोकतंत्र की हत्या है। इसको बचाने के लिए लड़ना है। मैं आज कह रहा हूं चंडीगढ़ भी जीतता था इंडिया गठबंधन और भागरा भी जीतेंगे। उनके टेंट में 20 आदमी होते हैं बेबो खुद के लोगों से करते विधायक जी एक बार मकसूद मिलियो साथियों।
लोकतंत्र का गला घोटा गया है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। मौखिक आदेश से भारतीय लोकतंत्र का पहला आदेश है जो मौखिक रूप से चुनाव कैंसिल किए गए हैं। देखिए दो घंटे तक और तहसीलदार मैडम ने हमें बैठाए रखा कि निर्वाचन अधिकारी आएंगे, एसडीएम साहब आएंगे। दो घंटे के बाद कहा कि उन्होंने मेडिकल ले लिया। देखिए आप देख पा रहे होंगे सारे जो कांग्रेस के जो पार्षदगण हैं वो इस वक्त बाहर आए हैं और चीजें करी है, ये बिल्कुल खिलाफ है। जो इन्होंने आज लोकतंत्र की हत्या करी है ये बिल्कुल गलत है। 40 पार्षद है, 40 वार्ड है, सबके लिए इक्वालिटी होती है, लेकिन इन्होंने क्या करा है? हम कब से बैठे, सुबह 10 बजे से बैठे हैं, 2 बजे हम बाहर निकले हैं। अगर इनको पहले से पता था कि एसडीएम साहब नहीं आ रहे हैं तो इन्होंने इनको पहले से सूचित करना चाहिए था। आने के बाद 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, हम पागल थोड़ी हैं? हम क्या हैं? हम ऐसे ही थोड़ी बैठे हैं सब। इवन हमको भी राइट्स हैं, लेकिन वो बस आए एक टोटल एक रोल प्ले करा, ये हुआ वो हुआ, जाते रहे। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। अभी आपको क्या लिखित में दिया गया? अभी आपको क्या लिखित में कुछ भी नहीं दिया है, लिखित में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ 4 घंटे बैठा के रखा है। नहीं, उनको कैसे पता कि चुनाव नहीं होंगे? 15 मिनट पहले अगला कदम देखेंगे, वो बिल्कुल देखेंगे। ये जो मतलब जो चीज इन्होंने करी है ये बिल्कुल गलत है और हम बिल्कुल इस चीज का रिएक्शन करेंगे, बिल्कुल इस चीज पे आवाज उठाएंगे। चलो तो आप देख पा रहे होंगे सारे पार्षद जो है वो वापस जाएंगे और बलवान पूनिया की भी मैंने आपको बताया था प्रेस वार्ता होगी और थोड़ी देर में आपको हम कुछ पता ही नहीं, कुछ राय ही नहीं। 4 घंटे से हमें बिठाए रखा और पार्षद आते हैं 15 मिनट पहले, चलो चुनाव निरस्त हो गया, उन्होंने कहा निरस्त हो गया, ठीक हम जा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? कोई लिखित आदेश नहीं है। आगे हम 10 बजे आगे थे, इन्होंने कहा 10 बजे के 15 मिनट में एटीएम साहब आ रहे हैं, एटीएम साहब आ रहे हैं, मैंने कहा ठीक है 15 मिनट में, आधा घंटा में। उसके बाद कहते आदेश आ गया, आर ओ साहब बीमार हो गए हैं, चुनाव निरस्त किए जाते। अगला आदेश चलिए सब मौखिक आदेश का हवाला दिया जा रहा है और पार्षद सारे पार्षद अपने अपने बसों में चढ़कर जो है वो लिपिन है सब पार्षद अब जाएंगे। और अब देख पुलिस ने बहुत मेहनत की है, सीआई मंदाराम जी देख रहे हैं सुबह से ये इतनी धूप में जो है वो लगे हुए थे और खूब मेहनत की है इन्होंने भी, पूरे पुलिस प्रशासन ने और सब ने। हालांकि चुनाव स्थगित हो गए, अब चुनाव होगा कब ये अभी तारीख नहीं है, तारीख अभी सिर्फ तय नहीं है। आदेश दिया एडीएम साहब ने तो अब देखें पुलिस का जाप्ता जो है वो अभी भी तैनात है। थोड़ी गर्मा गर्मी भी हो गई थी किंतु भादरा भाईचारे वाली जगह है, यहाँ गर्मा गर्मी जल्दी ठंडी हो जाती है और वो हो भी गई। और आप देख पा रहे होंगे बशीर नारिका जो कि पूरे फुल फॉर्म में है और मुर्दाबाद चल रहा है पुलिस का। देखिए बलिया मीन आगे चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे बाकी पार्षद भी चल रहे हैं और आप देखें ये देखिए हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। बताइए सुनिए चुनाव शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एक मिनट मारे आप देख पा रहे होंगे सारे पार्षदों को, ये देखिए आप, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, सारे पार्षदों को बस में चढ़ाए जा रहे हैं और यहाँ से अब इन्हें बाराबंदी में वापस ले जाया जाएगा। रफीक जी बताएं रफीक जी, भादरा के इतिहास में पहली बार सर ऐसा देखने को मिला है, क्या कहेंगे?
बादरा के नहीं, मुझे तो लगता है कि इंडिया के इतिहास के अंदर ही पहली दफा हुआ है ये। मतलब ये जो उन्होंने अपनी मनमानी चलाई है और मतलब हार के डर से उन लोगों ने जो आज ये काम किया, ये कभी नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या हुई है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये तो वो बात हो गई कि अखाड़े में कुश्ती लड़ने आ गए और कपड़े निकाल के वापस पहन के भाग गए, वो वाला काम कर दिया इन्होंने तो। और बाकी चाहे चुनाव है ना, चाहे आज हो, चाहे 5 दिन बाद में हो, चाहे 10 दिन बाद में हो, जो रिजल्ट आना है वो ऊपर वाले के हाथ में। बिल्कुल, चुनाव कैसा भी हो सर, नीति गलत है। प्रशासन का ये रवैया आप कैसे देखते हैं 10 बजे से 2 बजे? घटिया से घटिया रवैया है प्रशासन का ये। मतलब प्रशासन का बिल्कुल घटिया रवैया है और यहाँ के स्थानीय विधायक का बिल्कुल मतलब ठीक है, एकदम घटिया रवैया है ये। मतलब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आज से आप सबको पता है कि आज से तकरीबन 2.5 महीने 3 महीने पहले जो मेरे साथ बर्ताव किया गया था, वो भी इसी स्थानीय विधायक ने कहकर और इसी अनवर ने कहकर, मैं आज नाम खुलासा कर रहा हूँ, खुद ने बताया है उन लोगों ने कि इन लोगों ने कहकर ये ने वो पूरे काम करवाए थे। तो ये मतलब एक सभ्य आदमी के साथ और एक तो मतलब एक शहर के मतलब ठीक है एक भामाशाह आदमी के साथ में और भामाशाह के बेटे के साथ में मतलब ऐसा दुर्व्यवहार करा सकते हैं। और आज आप खुद देख रहे हैं कि मतलब ठीक है ये कैसी हरकतें कर रहे हैं। ऐसे करने से कुछ नहीं होता है, जो होना होता है वो मतलब सब ऊपर वाले के हाथ में। मैं तो ऊपर वाले पे विश्वास करता हूँ, अल्लाह पे विश्वास करता हूँ, भगवान पे विश्वास करता हूँ, जो होगा वो अच्छा होगा बस। बिना तारीख के अगला चुनाव कैसे होगा? सुरजीत जी एडवोकेट है आप, कैसे से आज के पूरा घटनाक्रम का कानूनी पहलू क्या है, कानून के रूप से देखें तो? कुछ नहीं है सर, ये चुनाव आयोग की भी घोर लापरवाही है। ऐसी स्थिति में जहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है, आरोप लगाना, आरोप बीमार होना, ये सब बहाने हैं कि सरकार के निशाने के ऊपर, सरकार के इशारे के ऊपर सब कुछ हो रहा है। इससे यह तय हो गया है कि बीजेपी का बिल्कुल बोर्ड आने वाला नहीं था, बीजेपी को घुटावट होगी ये मारने वाले, ऐसी स्थिति में ही हुआ है। आप सभी साथी आए, मैं तो ये कह रहा हूँ पत्रकार साथियों, आपके ऊपर भी ये सीधा का सीधा हमला है, आपके ऊपर ये सीधा का सीधा हमला है। आज वोट डालने की स्थिति आ रही है, लोगों को पार्षदों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। मैं आपको ये कह रहा हूँ, एक दिन ऐसी स्थिति आएगी आपको भी बोलने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा कि आप मत बोलो, ये स्थिति आएगी। बिल्कुल ये कह रहा हूँ आपको भी, ये जो देश का चौथा स्तंभ मीडिया माना जा रहा है उसके ऊपर भी उंगलियां हैं। वहाँ आप देख रहे थे, आपको अंदर नहीं दिया जाना था, पुलिस आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, कोई प्रशासन का आदमी ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसी स्थिति में ये बीजेपी की तानाशाही है। आप आए और तानाशाही को आपने देश को दिखाया, आपने पूरी तानाशाही को भादरा को दिखाया, आपने पूरी तानाशाही को राजस्थान को दिखाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ठीक है मंगेश जी, अगला स्टेप क्या रहेगा अगर सड़क की लड़ाई का जिक्र करें तो? सड़क की लड़ाई की जरूर तो बात नहीं पड़ेगी, पहले तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसको शिकायत करें और जिस भी आदमी ने पूरे घटनाक्रम के दौरान जिसने छुट्टी ली पूरे मामले को देखेंगे, डॉक्यूमेंट इकट्ठे करेंगे और जिन जिन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम के जो लोग शामिल रहे उनकी बाकायदा भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उसको शिकायत करेंगे, उनको लिखित में देंगे, निर्वाचन आयोग के वहाँ जाकर के पूरा शिष्टमंडल मिलेंगे और निर्वाचन आयोग को बताएंगे कि इस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटा गया। ये तो बात भी निर्वाचन आयोग की। दो नंबर बात, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, इन्होंने लोकतंत्र का गड़ा घोटने का प्रयास किए लेकिन लोकतंत्र मर नहीं सकते। लोकतंत्र एक हरी घास है जिसको जितना दबाते हैं उतनी और खूबसूरती के साथ उभरती है। मैं आपको आज कह रहा हूँ इस पूरे लोक घटनाक्रम से बाधना की आम जनता ने देखा है कि चुनाव पहले भी होते रहे हैं, विधायक दूसरे भी रहे हैं, राज चेंज होते रहे, लेकिन इस प्रकार से किसी को वोट नहीं डालने देना, ये बात साबित करता है कि इनकी आज पूरे बादरा के लोगों ने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव। अच्छा, ऐसे आरओ, एसडीएम, एआरओ, जिला कलेक्टर, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत करेंगे, कलेक्टर पर, एसडीएम पर, ये तमाम जो जो लोग में शामिल है उन सब लोगों के बाकायदा डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और बाकायदा कोर्ट में जाएंगे, निर्वाचन आयोग में जाएंगे, उन सब का इलाज करेंगे टाइम टू टाइम, जल्दी आपको इलाज मिले।